सपना देखा आपने? सुना है इस पलंग पे बहुत सपने आते हैं। दूध पियोगे? पंखा साफ करा रही है, ढंग से साफ कराना, कल को चुन्नी बांधनी होगी ना इसमें। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। अपना गला साड़ लो, बंद हो साड़ा ये बजना। What? मेरा मतलब गला अपने साफ करो, है द वॉटर्स। वैसे जॉली साहब, इतना टैलेंट इतनी शफा भगवान ने आपको दी है, कैसे कर लेते हो? देखो छोटा इंसान, भगवान है ना रिच और रॉयल, लोगों को बहुत दान करता है, यू नो। हाँ, ऊपर से 480 व्यूज भी आपके यूट्यूब पे। अरे वो तो बस फैंस। ऐसे एक बात बताओ, इतना हुनर, इतना शौर्य के बाद, I have a question with you, like, why are you just performing in India? क्यों सिर्फ इंडिया के लोग ही सफर करें आपकी आवाज से? सफर? मेरा मतलब है कि आपको वर्ल्ड का सफर करना चाहिए, not limit yourself to India. देखो छोटा इंसान, हाँ मेरी फैन बेस तो काफी वर्ल्ड वाइड में है, बट दिक्कत ये है कि कभी किसी कंट्री ने मेरे को शो के लिए बुलाया नहीं। ये तो आप झूठ बोल रहे होगे, ये तो आप मजाक में कह रहे होगे, मैं मान नहीं सकता। इतनी बड़ी कला हो, ऊपर से 480 व्यूज भी हो यूट्यूब पे, मतलब वर्ल्ड वाइड देखे गए हो आप, और कोई को बुला नहीं रहा। मैं नहीं मान सकता, झूठ बोल रहे हो। नहीं बुलाया। कहो मेरी कसम। अरे तुम्हारी कसम। नहीं झूठ बोल रहे हो आप, पक्का झूठ बोल रहे हो। नहीं, यूएसए, यूके, कनाडा में तो आपके बहुत शोज चलते होंगे, पागल होते होंगे लड़के। नो यार, एक ने बुलाया, अरे वो जरा बुलाएगा, मैं मान नहीं सकता। क्या आपको कभी दुबई से फोन नहीं आया? दुबई शोज के लिए? नहीं, कभी नहीं आया। वैसे मेरे कुछ खास हैं दुबई में जो बड़े बड़े शोज करवाना चाहते हैं, कोई बड़े बड़े शेख हैं, बट आप इतने बड़े आदमी हो, कहाँ ही उनके साथ करोगे? आप एक छोटे लोग आपके। तुम दुबई में शेख्स को जानते हो? हाँ जानता हूँ, कोई इतने बड़े नहीं, मतलब छोटे मोटे शेख देंगे, 30-40 कुएं हैं तेल के, दर्चे, आपके लेवल के लोग नहीं है। ऊपर बैठो, ऊपर आओ तुम, जाओ ऊपर जाओ, फटाफट बैठो ऊपर। हाँ तुम ऊपर बैठो, अच्छा नहीं लगता। अरे ऊपर बैठो। अरे ऐसा मत करो, तुम बैठो ऊपर। पिनिया भी बहुत दर्द होती है कभी कभी, पता गले बैठे बैठे। काम क्या करते हैं वहाँ? तेल के कुएं हैं बस, ऊपर से ना शौकीन बड़े हैं। मैंने देखा कि उनको ना कभी कभी बोहेमिया, सलमान खान, शाहरुख खान, हनी सिंह, इन सब के शोज कराते रहते हैं। इधर वाली भी दुख रही है। शोज? हाँ वो लाइव सिंगिंग शोज। तो मेरा भी शो कराएंगे वो? छोटे छोटे आदमियों के शो करवाते होते हैं आप, बहुत बड़े आदमी हो, आपका नहीं करवा पाएंगे आप, बहुत महंगे आर्टिस्ट हो, इतना पैसा लोगे वो नहीं दे पाएंगे ना। अरे नहीं नहीं, फ्री करूंगा मैं, फ्री में करूंगा, मुफ्त एकदम। हाँ फ्री में यार, बिल्कुल फ्री में। मम्मी कसम फ्री में, आंटी की कसम भी खा ली आपने। अरे यार गॉड प्रॉमिस, सच में फ्री में करूंगा। इतना बड़ा आदमी, जॉली मोगैम्बो, सन ऑफ ए बैरिस्टर, फ्री में शोज करेगा, झूठ बोल रहा होगा? अरे सच बोल रहा हूँ मैं। पिंडी बड़ी दुख रही थी। चलो आप कह रहे हो तो फिर मैं बात करके देखूंगा उनसे, कहूंगा उनको कि भाई ये आर्टिस्ट अच्छा है, थोड़ा चांस वांस दे कर ले। तो अभी करो बात।
जब मौका लगेगा मैं बात करूंगा। कब लगेगा मौका? जब मैं लगाना चाहूंगा तब लगेगा मौका। कब लगाना चाहोगे तुम? जब मेरा मूड होगा। कब होगा तुम्हारा मूड? अरे मैं फोन कर लूंगा, इतनी जल्दी क्या हो गया? तब पिन्नी में भी दर्द है मेरी, मैं कर लूंगा फोन। अरे मतलब मेरे से ले लो फोन, करना है तो तुम्हें। बैलेंस भी है तुम्हारे पास? जॉली साहब, ऐसा ना हो कि मैं अपने माय डियर लवली ब्रदर जॉली के लिए वो छोटे से लो लेवल शेख को घर पे बुला लूं। उसे घर बुला सकते हो? हाँ मैं सब हूँ, पर मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मम्मी और मनीषा को जाके बता दो। अरे नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा मैं उन्हें। तुम बता दोगे? अरे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। नहीं, तुम बुला लो उसे। रगड़े जाओगे? क्या? ठीक है बिल्कुल। फिर दुबई जाओगे? दुबई तुम्हारे शोज कराएंगे हम, दुबई में जाएंगे। You like to sing with me? Yes. वल्ला सल्ला वल्ला हिल्लली, अल्लाह जल्ला वल्ला हिल्लली, पूरे गाने की तूने मार ली। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गाना निकलेगा तेरा। वो वाली पिन्नी भी दुख रही है। ये दोनों कुछ ज्यादा ही चिपके हुए नहीं लग रहे? ज्यादा ही पतिया रहे हैं पीछे से। हाथ तेरा पकड़ता समझ में आती, तेरे कसम का हाथ। मैंने आपको कहा नहीं, बट Do you really think ये जॉली मेरे लिए ठीक है? ओ हाँ, ओके रिपोर्ट है, ओके माल है बिल्कुल। उसकी छाती पे ISI का मार्क भी है। Hello ladies, देख आ गए लवबर्ड। Ladies, we want to tell you something. Oh, hello brother, I told you. You want to tell them something, not me. Oh, बिल्कुल बिल्कुल। Ladies, मैं want to tell you something. क्या आप जो लड़के पसंद है? Oh, नहीं नहीं यार, मेरा दोस्त आ रहा है कुछ दिन रहने के लिए यहाँ। Excuse me, तुम्हें यहाँ रखने की तो प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से तुमने अपने दोस्त को बुला लिया है। तो आने देना, इसके भी तो शराबी दोस्त आते हैं। कम से कम भगवान की कृपा से इसके रिच रिच दोस्त तो आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, 100% सही मम्मी, दुबई से आ रहा है मेरा दोस्त। दुबई से? हाँ बिल्कुल, और उसके तेल के कुएं हैं वहाँ। तेल के कुएं? वो भी 40 के 40। 40? बिल्कुल। ये देख, इसको कहते दमाद, और इसको देख 120 रुपए का पेट्रोल भी डलवाता स्कूटर में, वो भी जनानी के पैसों से। सो मिडिल क्लास। और मम्मी हाँ, वो ठीक 6 बजे आ रहा है। 6 बजे? हाँ। रामन, व्हाट इज दिस? आई डोंट नो, दिस इज अ न्यू हस्बैंड, हिज फ्रेंड कमिंग, नाई नो जॉब नथिंग, और पालो बैठ के। लेट्स गो डार्लिंग, वी हैव टू गो आउट, एक्चुअली वी आर लव बर्ड्स। आपने देखा ही नहीं? छोड़ ना इनको, तुम बाद में देख लेंगे, पहले उसको देख ले जो नया आ रहा है दुबई से। चल पागल चल, जाके तैयार हो, मैं तो अपना नया वाला सूट पहनूंगी। हो सकता है मम्मी कॉस्मेटिक भी लेकर आए, और हो सकता है लिपस्टिक लेके आए, नेल पेंट मैचिंग की। मैं तो ना बस बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, जल्दी जल्दी चल। मनीषा कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक ही लग रही हूँ मम्मा। ओ तू हमेशा ऐसे बोलती है, पता नहीं मैनेजर से पूछा ही क्यों है, वैसे भी तेरी चॉइस का अंदाजा है मुझे। कैसा लग रहा हूँ? एकदम तंदूरी चिकन। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मम्मी, मनीषा एक साहब आ गए, आ जाओ आ जाओ, पोजीशंस ले लो अपनी। सिक्स साहब आ गए। वेलकम करते हैं हम तेरा इस गेट पे। बिस्किट नमकीन रखा है सब अंदर आ, देख ले प्लेट पे। आले आले आया राजा, आले आले बू, बोली बोली बू, बोली बोली बू। आले आले आया शेख, आले आले बू, बोली बोली बू, बोली बोली बू। Welcome.
Tonight is the ring of words. गाने का तो पता नहीं, तू चौकती बहुत अच्छा है. तुम कभी ऊंट देखी? ऊंट हाँ देखी देखी. तो क्या तुम एक बार इसको ऊंट की तरह उठा सकती? ऊंट की तरह? हाँ हाँ बिल्कुल उठाएगी बिल्कुल. बस करती मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती. प्लीज कम प्लीज कम. काफी बड़ा घर होती वरना. ये घर मेरी बेटी का है. तुम्हारी बेटी? जी तुम्हारी बेटी होती? हाँ मेरी बेटी होती. तुम्हारी बेटी लगती ही नहीं, तुम तो बहुत स्टनिंग लेडी लगती. कसम की अलग After all, mother in law किसकी है? तुमसे पूछी? नहीं 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 तुम बोल सकती, तुम झुकती बहुत अच्छा हो. आप कुछ लेते क्यों नहीं? हमको पहले से ही पता है मैं क्या मांगती. शकीरा जी आप जो प्रपोजल के बारे में बताने आए थे जॉली जी को, वो बताओ ना, कब से वेट कर रहे हैं? वो मैं तो भूल ही गई थी. सॉरी सॉरी. अरे कोई नहीं जी, नो प्रॉब्लम. वो हमारा ध्यान तुम्हारी वो उसमें चली गई थी. तुम्हारे YouTube पे कितने व्यूज होती? अरे पूरे 480. इतने सारे? वाला तुम तो सिंगिंग सेंसेशन हो. अरे बस जी बस. मुझे तो तुम्हारी बहुत ही जरूरत पड़ती. ऑलवेज देयर फॉर यू सर, ऑलवेज ऑलवेज. आप इनको प्रपोजल बताओ यार प्लीज. वाला प्रपोजल, मेरी गाड़ी के तेल का काम इतना अच्छा नहीं चलती तो बस 40-50 तेल का कुआं बचती. तो अब हम सोचती कि मालिश की तेल की कंपनी खोल ले. मालिश वाला तेल? भुचक भुचक मालिश का तेल, जब खींच खींच के लगती तो बहुत मजा आती. और जॉली भाई हम चाहती कि तुम हमारी मालिश की तेल की कंपनी का एड बनाती, लेकिन हमारा बजट थोड़ा कम है. बजट कम है? अरे कितना है जी बजट? 100 करोड़. 100 करोड़ कम है? 120 करोड़ देती ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद मैं रोड पे आ जाती. 120 करोड़? Excuse me, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जिस हिसाब से ये झुकती उसका तो 200 करोड़ बनती. देखा देखा, इसको कहते रही सी. Votre toast, je prêt vous le rendre, seigneur. कहाँ ये 120 रुपए के पता किराने वाले के, और कहाँ ये 120 करोड़? मुझे तो यही दिमाग चाहिए, यही दिमाग चाहिए. Pour plaisir, les hommes combattent. उसके बाद मैं तुम्हारा लाइव सिंगिंग शो भी करवाएगी दुबई में. तुम्हें बड़े बड़े विलास गिफ्ट करेगी. जोली विला जोली. तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है. लाओ 100 रुपए अभी एफिडेविट बनवा के लेके आते. अरे ये लो जी 100 रुपए लो. तुम्हारे पास 100 रुपए भी नहीं है? हम बहुत बड़ा शेख होती, हम 100-100 रुपए का नोट रखती तो हमारी इज्जत गिर जाती. गिरती से याद आया, एक बार उठा देती. तुम्हारा 5 साल का एग्रीमेंट पूरा करती. 5 साल का एग्रीमेंट? ओहो ओ माय गॉड. आप को मीठा कीजिए ना, कुछ खाइए ना. प्लीज प्लीज करिए करिए, कुछ खाइए ना. टेस्टी, वेरी टेस्टी. उंगली की मिठाई? तो जोली भाई हम तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती, तुम हमें बदले में क्या देती? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, जो मेरा है वो आपका ही तो है सर. ऐसा मत बोलो, हम टूट जाती. यू आर अ जेम माय बॉय, लेकिन बदले में जो मुझे चाहिए मुझे पहले से ही मालूम. अरे क्या चाहिए सर, क्या चाहिए? वो हम ऐसे नहीं बता सकते. पहले तुम्हें हमें वादा करना होगा कि तुम ना नहीं बोलोगे. अरे वादा करते हैं सर, मांगो तो सही, आपको क्या चाहिए? शेख को जबान दे रहे हो, अगर मुकर गए तो अंजाम तुम जानते हो. सर आप मांग के देखिए, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा सर. अच्छा तो सुनो, हमारे को दुबई में सब कुछ मिलती, तेल पैसा सुंदर कन्या, लेकिन जो चीज हमने आज यहाँ देखी वो पूरी दुबई में नहीं देखी.
हमको और हमारे दोस्तों को बचपन से ही बूढ़ी और मोटी चीजों का शौक। तो जॉली भाई, क्या हम अब वो चीज मांग सकती जिसके लिए तुमने हमें जबान दी है? मांगो जी, मांगो मांगो। हम तुम्हारी मदर इन लॉ को एक महीने के लिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। क्या है? तो क्या चीज मांगी है शेख, क्या चीज मांगी है? और तूने जबान दी है, बहुत मारता है काले पुत्र, और तू अच्छी चीज भी प्रॉमिस कर देती है। काला काला बंदा, लाल हो के बहुत ही गंदा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। साड़ी सस्ती चाहिए तू पहले। Bye 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 b